नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे चोल राजवंश के इतिहास, युद्ध और शासक के बारे में खास बातें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चोल राजवंश का परिचय। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इस प्रदेश में तीन प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर तथा पांड्या। अति प्राचीन काल में इन तीनों राज्यों का अस्तित्व रहा है। अशोक के 13वें शिलालेख में इन तीनों राज्यों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया है, जो उसके साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित थे। कालांतर में चोलों ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उनके उत्कर्ष का केंद्र तंजोर था और यही चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल इतिहास के साधन, साहित्य। चोल राजवंश का इतिहास जानने के लिए अनेक साहित्यिक गुणों का उपयोग करते हैं। इनमें सर्वप्रथम संगम साहित्य 100 से 250 ईस्वी का उल्लेख किया जा सकता है। उसके अध्ययन से प्रारंभिक चोल शासक करिकाल की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांड्या तथा चेर राजाओं के साथ उसके संबंधों की भी ज्ञान होता है। जय गोंडार के कलिंग तू प्राणी के कुलुतुंग प्रथम की वंश परंपरा तथा उसके समय से कलिंग पर किए जाने वाले आक्रमण का परिचय मिलता है। ओटकुटम की विक्रम चोल कुलीतुंग द्वितीय तथा राजा राज द्वितीय के संबंध में रची गई उल्लेखें उनके विषय में कुछ ऐतिहासिक बातें बताती हैं। शेकिलार द्वारा रचित पेर्य पुराणम, जो कुलुतुंग द्वितीय के काल में लिखा गया था, के अध्ययन से तत्कालीन धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध मित्र के व्याकरण ग्रंथ वीर शौल्यम से वीर राजेंद्र के समय की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश से प्रांतक की पांड्या विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का विवरण ज्ञान होता है। अभिलेख। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख है, जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग हुआ। विजयालय 859 से 871 ईस्वी के बाद का चोल इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से ही जाना जाता है। राजा राज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने तथा अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेख में जोड़ने की प्रथा प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। उसके समय के लेखों में लेडन दान पत्र तथा तंजोर मंदिर में उत्कीर्ण लेख उल्लेख्य हैं। तंजोर के लेख उस मंदिर की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। राजेंद्र प्रथम के समय के प्रमुख लेख तिरुवाल गाडू तथा करेंड दान पात्र है, जो उसकी उपलब्धियों का विवरण देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख राजा राज तृतीय के समय का तिरुवेंदीपुरम अभिलेख है। ये चोल वंश के उत्कर्ष का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें होयसल राजाओं के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की गई है, जिनकी सहायता से चोल वंश का पुनरुद्धार संभव हो सका। राजाधिराज प्रथम के समय मणि मंगलम अभिलेख से उसकी लंका विजय तथा चालुक्यों के साथ संघर्ष की सूचना मिलती है। ये वीर राजेंद्र की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है। सिक्के। लेखों के अतिरिक्त ध्वलेश्वरम से चोलों के स्वर्ण सिक्कों का एक ढेर मिला है। इनमें उनकी समृद्धि का ज्ञान होता है। राजाधिराज प्रथम के कुछ सिक्के लंका से प्राप्त हुए, जिनमें वहीं उसके अधिकार की पुष्टि होती है। दक्षिणी कनारा से उसके कुछ रजत सिक्के मिले, सामान्यतः
चोल सिक्कों से संपूर्ण दक्षिण भारत के ऊपर उनका आधिपत्य प्रकट होता है। विदेशी विवरण। चीनी स्रोतों से चोल तथा चीनी राजाओं के बीच राजनयिक संबंध की सूचना मिलती है। चीन की एक अनुश्रुति के अनुसार राजा राज प्रथम तथा कुलीतुंग प्रथम के काल में एक दूत मंडल चीन की यात्रा पर गया था। चीनी यात्री चाओजू कुआ 1225 ईस्वी के विवरण से चोल देश तथा वहीं की शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो जाती है। पेरिप्लस तथा टाल्मी के ग्रंथ में भी चोल देश का उल्लेख मिलता है। चोल राजवंश का राजनीतिक इतिहास। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण है। संगम युग लगभग 100 से 250 ईस्वी में चोल वंशी नरेश दक्षिण में शक्तिशाली थे। इस काल के राजाओं में करिकाल लगभग 190 ईस्वी का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। संगम साहित्य में उसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है। वो एक वीर योद्धा थे जिसने समकालीन चेर इफ पांड्या राजाओं को दबाकर रखा। उसके बाद चोलों की राजनैतिक शक्ति क्षीणा हो गई तथा नवी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक उनका इतिहास अंधकार पूर्ण हो गया। ये संभवत तमिल देश पर पहले कलभरों तथा फिर पल्लवों के आक्रमणों के कारण हुआ। नवी शक्ति के मध्य में 850 ईस्वी के लगभग चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। उस समय विजयालय नामक एक शक्तिशाली चोल राजा को पल्लवों के सामंत के रूप में त्रिचनापल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र में शासन करता हुआ पाता है। उरेयुर ही चोली का प्राचीन निवास स्थान था। इस समय पल्लवों तथा पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहे थे। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजोर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज्य किया। आदित्य प्रथम। ये विजयालय का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। प्रारंभ में वो पल्लव नरेश अपराजित का सामंत था तथा उसने श्री पुरब्यम के युद्ध में अपने स्वामी को पांडवों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। इस युद्ध में पांड्यों की शक्ति नष्ट हो गई, परंतु अपराजित अपनी विजय का उपभोग नहीं कर सका। आदित्य प्रथम ने उसकी हत्या कर दी तथा तोड़ मंडलम को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने पांड्यों से कोंगु प्रदेश छीन लिया तथा पश्चिमी गडगों को अपनी अधीनता में रहने के लिए बाध्य किया। उसने अपने पुत्र प्रांतक का विवाह चेर वंश की राजकुमारी के साथ किया। आदित्य ने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर शैव मंदिर बनवाए। राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य की महता का वास्तविक संस्थापक परातक द्वितीय यानी कि सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 1985 के मध्य राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। उसका 30 वर्षीय शासन 1985 से 1015 ईस्वी तक चोल राज्यों का सर्वाधिक गौरवशाली युग है। वस्तुतः राजा राज के समय से चोल राज्य का इतिहास समस्त तमिल देश का इतिहास बन जाता है। वो एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने अपनी अनेकानेक विजयों के फल स्वरूप लघुकाय चोल राज्यों को एक विशालकाय साम्राज्य में परिणत कर लिया। सिंघल की विजय। राजा राज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण सिंघल पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था।
अंततः उसके पुत्र राजेंद्र ने सिंघल विजय का कार्य पूरा किया। वहां का शासक महिंद पश्चिम बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया गया, जहां 12 वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण सिंघल पर राजेंद्र का अधिकार हो गया। करैंद ताम्र पत्रों में उसकी इस विजय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, जिसके अनुसार राजेंद्र ने लंका के राजा के मुकुट, रानी, पुत्री, संपूर्ण संपत्ति, वाहन, इंद्र का निर्मल हार जो पांड्य राजा द्वारा वहां धरोहर रखा गया था आदि के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। महावंश से भी इस विजय की पुष्टि होती है, जिसके अनुसार राजेंद्र ने लंका पर पूर्ण अधिकार करने के पश्चात वहां के बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया तथा संपूर्ण कोष अपने साथ उठा ले गए। महावंश से पता चलता है कि महिंद के पुत्र कश्यप ने 6 माह के कड़े प्रतिरोध के बाद सिंघल के दक्षिणी भागों को पुनः अपने अधिकार में कर लिया। केरल तथा पांड्य राज्यों की विजय। राजेंद्र ने पांड्या तथा केरल राज्यों को जीतकर उन्हें एक अलग राज्य में परिणित कर दिया। तिरुवालांगडू के ताम्र पत्र केरल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध राजेंद्र की सफलताओं का उल्लेख करते हैं। उसके सेनापति दंडनाथ ने एक विशाल सेना के साथ पांड्य राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक को बुरी तरह पराजित कर दिया। उसने अपने एक पुत्र को दोनों स्थानों का वायसराय बनाया, उसे चोल पांड्य की उपाधि प्रदान की। इस राज्य का मुख्यालय मदुरा में था। कलिंग की विजय। चोल सेना वैंगी को जीतने के बाद कलिंग में घुस गए, जहां उसने विजयादित्य के मित्र कलिंग के पूर्वी गंग शासक मधु का मानव 1019 से 1038 ईस्वी को दंडित किया। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार राजेंद्र की कलिंग विजय का उद्देश्य गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करना था। विक्रम चोल, ये कुलतुंग का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, जिसने 1120 से 1133 ईस्वी तक शासन किया। 1126 ईस्वी में विक्रमादित्य पष्ट की मृत्यु के बाद उसने वैंगी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। उसने 1133 ईस्वी के लगभग गोदावरी नदी तट पर विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय की सेना को परास्त किया। गंगावाड़ी पर आक्रमण कर उसने कोलर जिले पर अधिकार कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप उत्साहित रहते हैं इतिहास के पन्नों को जानने में, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।